अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मंडी इकाई ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को वल्लभ कॉलेज में एक मांग पत्र प्रेषित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वल्लभ कॉलेज के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में सभी पीजी कोर्स इसी सत्र से शुरू करने की मांग की है। अरे अभी तो नहीं आगे बड़ी लड़ाई है। आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो नमस्कार, विशाल ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष मंडी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई के द्वारा मंडी विश्वविद्यालय की कुछ प्रमुख मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सबसे पहली मांग विद्यार्थी परिषद की ये थी कि जो भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर छः जिला के कॉलेजों के अंदर जो भी क्लासेस लगती है, उन सभी के पीजी कोर्सेज और अन्य पीजी कोर्सेज जल्द से जल्द इस यूनिवर्सिटी के अंदर लाए जाएँ, और उसके बाद इसमें शिक्षक और गैर शिक्षक वर्गों की भर्तियाँ की जाए, और इसमें हॉस्टल की सुविधा, एक स्थायी परिसर निर्माण के लिए भी विद्यार्थी परिषद ने उनके समक्ष मांग रखी और कहा कि जब तक 4 से 5 साल यदि इस विश्वविद्यालय के परिसर को बनने के लिए लगते हैं, तब तक मंडी महाविद्यालय को इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज यानी घटक कॉलेज बनाकर यहाँ से ही यूनिवर्सिटी जो है फुल फ्लेज लाई जाए, ताकि इस प्रदेश में जिन जिन छात्रों को इस यूनिवर्सिटी के बनने से राहत मिली है, वो इस राहत का फ़ायदा उठा सके, और जो है किसी गरीब बच्चे को हिमाचल प्रदेश से बाहर जाकर या ना शिमला जाकर वहाँ पर जो अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़े। और इस तरह से अनेकों मांगों को लेकर, और एक और मांग ये थी कि जो बल्लभ राज के महाविद्यालय में पिछले 4 वर्षों से इस सरकार की अनदेखी के द्वारा, इस जिला प्रशासन की अनदेखी के द्वारा और इसके निकम्मेपन के द्वारा जो वहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी गई है, उसको भी वहाँ से जल्द हटाया जाए, क्योंकि जो है वहाँ पर अभी एग्जाम भी बच्चों के होने वाले हैं, उनको बैठने के लिए भी दिक्कत होगी। इस तरह से जो आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया, और आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा जे मंडी जिला मुख्यालय के बाहर नौणी विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन जो है किया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन उस नौणी विश्वविद्यालय के उस भ्रष्ट कुलपति के खिलाफ है जो वहाँ पर अपने उस दायित्व का, अपनी उस पोस्ट का गलत फायदा उठाकर जो है उसका गलत फायदा उठा रहा है, अनेकों धांधलियाँ वहाँ पर कर रहा है। वहाँ पर देखा जाए जो भी अधिकारी, जो भी छात्र उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसको वहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम, वहाँ पर अधिकारियों का तबादले करने का काम उसके कारनामे वहाँ पर देखने को मिल रहा है, और प्रदेश सरकार के द्वारा उसका सेवा विस्तार बढ़ाने को लेकर भी विद्यार्थी परिषद उसका कड़ा विरोध करती है कि इस प्रकार के भ्रष्ट कुलपतियों को उनका सेवा विस्तार न बढ़ाकर उनको जेल के पीछे डालने का काम जो है किया जाना चाहिए। इस तरह से विद्यार्थी परिषद चाहती है कि इन मांगों का सकारात्मक निर्णय लिया जाए, वरना विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।